हाइड्रोलिक सेटिंग। ट्रैक्टर की बेहतरीन कार्यकुशलता के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इस लाल वाले नॉब लीवर को डीसी लीवर और काले वाले नॉब को पीसी लीवर कहते हैं। पीसी लीवर उपकरण को ऊपर या नीचे उठाने तथा जरूरत अनुसार गहराई पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीसी लीवर खेत की मिट्टी के अनुसार प्राप्त की गई गहराई को समान बनाए रखता है। पीसी डीसी लीवर सेटिंग। आइए अब हम पीसी तथा डीसी लीवर की सेटिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। पीसी तथा डीसी दोनों लीवर को पूरी तरह नीचे लें। हैंड एक्सेलेरेटर से 1500 आरपीएम सेट करें तथा L1 गियर सिलेक्ट करें। ट्रैक्टर को तब तक आगे बढ़ाएं जब तक पीछे का टायर स्लिप करने लगे। ट्रैक्टर वहीं रोककर डीसी लीवर को धीरे से तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको उपकरण पर हल्का सा पहला झटका महसूस हो। तब लीवर को 1.5 इंच आगे लेकर क्वाड्रेंट को लॉक करें। डीसी लॉक प्लेट को एडजस्ट करें ताकि आप वहां पर फाइन एडजस्टमेंट कर सकें। डीसी लीवर को एक बार सेट करने के बाद उसे बार बार न छेड़ें। अब आपका ट्रैक्टर खेती का काम करने के लिए औजार के साथ तैयार है। आइसोलेटिंग वाल्व। आइसोलेटिंग वाल्व का इस्तेमाल टिपिंग ट्रेलर के साथ या फिर उपकरण को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते वक्त किया जाता है। उपकरण ढोते समय उपकरण को सावधानी पूर्वक उठाएं, आइसोलेटिंग वाल्व को लॉक करें और दोनों लीवर को नीचे की पोजीशन की तरफ रखें। उपकरण का फिर से इस्तेमाल करने से पहले आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करना ना भूलें। ऐसा ना करने पर हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली का इस्तेमाल करते समय ऑक्स पाइप को जोड़ना। ऑक्स पोर्ट प्लग को निकालें। कंपनी निर्धारित बेंजो बोल्ट और पाइप का ही इस्तेमाल करें। बेंजो बोल्ट के आगे और पीछे डॉटी वॉशर लगाना न भूलें। चेतावनी। अनुचित बेंजो बोल्ट के उपयोग से कंट्रोल वाल्व के थ्रेड खराब होकर कंट्रोल वाल्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रेलर को ट्रैक्टर से कैसे जोड़ें? किसान भाई, जब ट्रॉली का भार 5 टन से अधिक हो तो 4 पहिये वाला ट्रेलर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 पहियों वाले ट्रेलर के जोड़ की ऊंचाई जमीन से 16 इंच पर होनी चाहिए और ध्यान रहे कि ट्रॉली जमीन से पैरेलल हो। पीसी डीसी दोनों लीवर को पूरी तरह नीचे करें और केवल पीसी लीवर को 1 इंच ऊपर उठाकर आइसोलेटिंग वाल्व को पूरी तरह लॉक कर दें। ऐसा न करने से हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली की नीचे गिरने की गति कम हो जाएगी। अब आप पीसी लीवर से हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली को ऑपरेट कर सकते हैं। चेतावनी। हॉलेज में कभी कभी इंजिन आरपीएम या स्पीड कम होने पर हाई गियर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से गियर बॉक्स में आवाज आएगी एवं डीजल की खपत अधिक होगी। यदि ट्रैक्टर की स्पीड कम हो तो लो गियर का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रॉली इस्तेमाल करते समय ट्रांसमिशन ऑयल की उचित मात्रा बनाए रखना आवश्यक है। सेवन पोल सॉकेट।
सेवन पोल सॉकेट के इस्तेमाल से आप ट्रेलर के लाइट्स, टर्न सिग्नल और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण चला सकते हैं। पीटीओ ऑपरेशन। ये पीटीओ लीवर यानी पावर टेक ऑफ लीवर है। क्लच दबाकर इसे एंगेज या डिसएंगेज करें। गियर को लो में और इंजन आरपीएम मीटर में दिए गए निशान पर इंजन की गति रखने से पीटीओ पर 540 आरपीएम प्राप्त होगा। पीटीओ से उपकरण जोड़ना। पीटीओ से उपकरण चलाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का सही जुड़ना बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि रोटरी टिलर को कैसे जोड़ा जाता है और जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटरी टिलर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ दें। पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की दूरी नापिए। प्रोपेलर शाफ्ट को पूरी तरह से अंदर करके उसकी लंबाई नापें। ये लंबाई पीटीओ शाफ्ट से रोटरी टिलर स्प्लाइन शाफ्ट की नापी गई लंबाई से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट का अंदर वाला भाग लंबाई में बाहर वाले भाग से 1/2 इंच कम होना चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ दें और ध्यान रहे शियर बोल्ट हमेशा उपकरण साइड में ही हो। यूजे क्रॉस और स्प्लाइंस को हमेशा ग्रीस करें। चेतावनी। प्रोपेलर शाफ्ट चलाते समय उपकरण को पूरी तरह ऊपर न उठाएं। इससे प्रोपेलर शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट दोनों के टूटने का खतरा हो सकता है। अब आप इस रोटरी टिलर को पीसी या डीसी सेटिंग करके पडलिंग में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर खड़ा करने से पहले 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ट्रैक्टर का पुल टू स्टॉप लीवर हमेशा खींचा हुआ रहे ताकि कोई गलती से भी चाबी घुमाए तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हो। गियर लीवर और हाई लो लीवर हमेशा न्यूट्रल में हो और हैंड ब्रेक हमेशा खींचा हुआ रहे।